नमस्कार, मैं हूं अवधूत दास, आपका अपना पर्सनल सबकॉन्शियस क्लेयरवॉयंट माइंड ट्रेनर। आज हम एक मेडिटेशन करने वाले हैं, गहरा ध्यान। देखते हैं कितना गहराई पे हम उतर सकते हैं, अपने ही मन की गहराई पर। जितना ज्यादा गहराई पे उतरेंगे उतना मन के अंदर शांति होगी। एक बार मन की गहराई में जब शांति होगी तो शरीर अपने आप स्वस्थ होना शुरू कर देगा और भाग्य खुलने लगेगा, क्योंकि जिसके मन में शांति है, आनंद है, शरीर स्वस्थ है, वो हर काम बहुत ही सौम्य तरीके से करता है। उसका चित्त बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहता है और लोग उसके साथ संपर्क रखना पसंद करते हैं। बिजनेस भी होगा, धंधा भी होगा, सब अच्छा ही होगा उसके बाद से। चलिए थोड़ा सा एक डीप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। ये पॉसिबल है कि इस मेडिटेशन के दौरान आपको गहरी नींद आ जाए तो सो जाइएगा, पर सर आपका प्रोग्राम मिस हो जाएगा। कुछ मिस नहीं होगा, सो जाएंगे तो सो गए, बाद में जब उठेंगे तो YouTube में जाके जरा सर्च करना। इमिडिएटली तो अपलोड नहीं करेंगे, कुछ दिनों के अंदर इस प्रोग्राम को यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, youtube.com/avadhutdas, वहां पे ये प्रोग्राम मिल जाएगा आपको, ठीक है? ओके, चलिए एक गहरा मेडिटेशन करते हैं। अगर नींद आ जाए कोई चिंता नहीं है, सो जाना आराम से, पर कोशिश कीजिए कि जागे रहें, सुनते रहें, सतर्क रहें, ठीक है? चलिए बैठिए सीधा होकर, जिससे कि नींद ना आए। ऐसे बैठिए जिससे कि आपको पीठ का सहारा लेना ना पड़े, विदाउट बैक रेस्ट सीधा होके बैठिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। क्यों रीढ़ की हड्डी सीधी रखने को कह रहा हूं? हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स जो हैं, फिर वो फ्रीली एक्सपैंड कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। जबकि हम ऐसे सिकुड़ के बैठेंगे तो लंग्स को फ्री मूवमेंट करने का जगह नहीं मिलता है, स्पेस नहीं मिलता है। इसके लिए सीधा होके बैठिए, नहीं अकड़ के नहीं बैठना है, बस सीधा होके तन के बैठिए। जी हाँ, सीना बाहर निकाल कर, चिन अप, जबड़ा सामने रखिए, गर्दन सीधा रखिए, ना बाएं झुकिए ना दाएं झुकिए, ना सामने ना पीछे, सीधा। हाथ गोदी पर रख लीजिए, हाथों के तलवे नीचे की ओर हैं और हाथ गोदी पर है। चलिए आंखें बंद कीजिए। अगर मेडिटेशन के समय कभी आपकी आंख खुल जाती है अनायास ही, या मन में अजीब सा लगता है कि क्या कब से आंखें बंद करके बैठा हूं, चलो खोल लेते हैं, और ऐसा करके आपने आंखें खोल ली, और मैं तो मेडिटेशन करा रहा हूं, मेरी तो आंखें खुली रहेंगी, क्योंकि अगर मैं आंखें बंद करके मेडिटेशन कराना शुरू कर दूं, मैं खुद ही मेडिटेशन में घुस जाऊं, फिर इतना गहरा कि कुछ बोलना ही भूल जाऊं। तो कोशिश करूंगा मैं आंखें खोल के कहने की, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है मेरी भी आंखें बंद होंगी जब मैं ये मेडिटेशन करवाऊंगा। तो इधर उधर ध्यान मत दीजिए, वापस अपने ध्यान को मेरी बातों पर लेके आइए और वापस मन को फोकस कीजिए मेडिटेशन में, ठीक है? जब हमारा ये मेडिटेशन चल रहा है, उस वक्त कोई आपके पास आ गया तो इशारों से उस व्यक्ति को बोलिए कि तुम भी बैठ जाओ आंखें बंद करके, तुम भी ध्यान करो। थोड़ा देर ध्यान करने में क्या जाता है, अच्छा ही तो है और क्या। चलिए एक बात ख्याल रखिए, फोन बंद कर दीजिए, और फोन में कोई अलार्म सेट किया है तो अलार्म भी बंद कीजिए, नहीं तो मेडिटेशन के समय बेकार में वो बाधा बनता है, ठीक है? घर के लोगों को बता दीजिए आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपके आसपास कोई है तो। हाँ, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं इस वक्त तो मेडिटेशन मत करना, ड्राइविंग कीजिए। चलो तैयार, चलिए सीधा होके बैठिए, पीठ सीधा, गर्दन सीधा, आंखें बंद कर लीजिए, हाथ गोदी पे रखिए, हाथों के तलवे नीचे की ओर हैं। बस शांति से मन ही मन अनुभव करते रहिए और मन से देखते रहिए अपने सीने को। आपका जो नेचुरल ब्रीदिंग हो रहा है, प्राकृतिक तरीके से जो आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, अलग से कुछ नहीं कर रहे, जो अपने आप हो रहा है, उसका प्रभाव आपके सीने पर कैसा पड़ रहा है? मेंटली ऑब्जर्व योर चेस्ट। स्पेशल कुछ मत कीजिए, बस शांति से अपने सीने पर
अपने प्राकृतिक सांस क्रिया का प्रभाव कैसा है उसका अध्ययन कीजिए। अभी अपने पेट पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, मेंटली नोटिस कीजिए आपके पेट पर आपके प्राकृतिक सांस क्रिया का प्रभाव कैसा पड़ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी एक गहरी सांस लीजिए और आहिस्ते से सांस को छोड़िए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगली बार आंखें बंद रखिए, अगली बार जब गहरी सांस लेंगे, सांस को छोड़ते वक्त मन ही मन नीले रंग के बारे में सोचिएगा। हर तरफ नीला रंग है, ठीक है। चलिए एक गहरी सांस लीजिए एवं सांस को छोड़ते वक्त मन ही मन नीले रंग के बारे में सोचिए। अगली बार हरा रंग। एक और गहरी सांस लीजिए एवं सांस को छोड़ते वक्त मन ही मन हरे रंग के बारे में सोचिए। एक और गहरी सांस लीजिए एवं सांस को छोड़ते वक्त लाल रंग के बारे में सोचिए। रिलैक्स, शिथिल होइए, आंखें बंद रखिए। हम एक मेडिटेशन कर रहे हैं। अगर आप अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ तो आंखें मीच लीजिए। हम एक ध्यान कर रहे हैं, गहरा ध्यान। चलिए बाकी लोग आंखें बंद रखिए। अपने कपाल को, माथे को रिलैक्स कीजिए। बिल्कुल वहां पे सिलवटे ना पड़ने दें। आंखों के पलकों को शिथिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। बहुत अच्छी बात है। अभी आपको सहायता करने के लिए कि आप अपने मन के और ज्यादा गहराई पे पहुंचे, मैं अभी 10 से लेकर 1 तक गिनने वाला हूं। जब तक मैं 1 की संख्या पे पहुंचूंगा, आप अपने मन के पहले से अधिक गहराई पर उतर चुके होंगे। सुनते रहिए मेरी ध्वनि को। 10, 9, 8, 7, आंखें बंद कीजिए, 6, 4, 3, 1, 1, 1, हिलिए डुलिए नहीं, स्थिर रहिए। शरीर स्थिर तो मन भी स्थिर। कोशिश कीजिए पूरी तरह से स्टैचू की तरह स्थिर होकर रहने को, कुछ हिलना डुलना नहीं।
मन को शांत होने की अनुमति दीजिए। अभी आप अपने मन के पहले से अधिक गहराई पर उतर चुके हैं। सोचिए अंतरिक्ष के बारे में, घनघोर अंधेरा अंतरिक्ष में, पूरा वीरान सुनसान सन्नाटा, कैसा होगा वो सोचिए। अरबों खरबों मीलों दूर दूर तक कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कैसा सन्नाटा होगा वो। पृथ्वी का तो नामो निशान नहीं है, इतना दूर है हम पृथ्वी से। पृथ्वी जिस गैलेक्सी में है, हम द्रुत वेग में उस गैलेक्सी से भी दूर चले जा रहे हैं। सोचिए पृथ्वी में आपके जितने संपर्क हैं, संबंध हैं, जड़ें हैं, सब इतना दूर हो चुका है, पृथ्वी तक नहीं दिख रहा है, सौर मंडल तक नहीं दिख रहा है, सूरज बृहस्पति कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम बहुत 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 दूर आ चुके हैं पृथ्वी से। पृथ्वी से आपके सारे नाते कट चुके हैं, सारे संपर्क कट चुके हैं। शायद आप अगर वापस जाते हैं अपने पृथ्वी वाले गैलेक्सी पर, आप शायद खो जाएं और ढूंढ भी ना पाएं सौर मंडल को। पृथ्वी की तो बात ही अलग है। और शायद जब तक आप पृथ्वी तक पहुंचे, समय का काल चक्र आगे बढ़ चुका होगा, सैकड़ों वर्ष निकल गए होंगे। उन हर व्यक्ति जिसको आप आखिरी बार मिले थे पृथ्वी से दूर आने से पहले, सैकड़ों सालों पहले, वो धरती छोड़ के जा चुके हैं। अभी जो लोग हैं, इनके पुरखे रहे हैं वो कई पीढ़ियों पहले। आप बहुत दूर हैं पृथ्वी से। मन ही मन अपने सारे नाते काट दीजिए पृथ्वी से, अलग हो जाइए। आपका पृथ्वी से कोई नाता नहीं है, पृथ्वी वासियों से कोई नाता नहीं है। पृथ्वी पर किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, इवेंट, किसी चीज से आपका कोई नाता नहीं है। आप पृथ्वी से सैकड़ों दशकों दूर हैं, सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर हैं, और कोई अंदेशा तक नहीं है किस ओर और किस दिशा में पृथ्वी है। आप पूर्ण सन्नाटे में हैं, नीरवता, शून्यता। सोचिए ऐसा दूर दूर तक कुछ नहीं है, कोई नहीं है। पांचों इंद्रियों से जो कुछ अनुभव किया जा सकता है उसमें से कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। अर्थात आपको अपने शरीर का आभास तक नहीं है, क्योंकि इंद्रियां तो कुछ भी पिकअप नहीं कर रही हैं युगों युगों से। यहां पर सांस लेने की जरूरत नहीं है जीते रहने के लिए। इंद्रियों को व्यवहार करके
इंद्रियों से कुछ प्राप्त करना ये इतनी पुरानी बात हो चुकी है कि इसके बारे में आपको कुछ ख्याल नहीं रहा है। सोचिए अगर ऐसा हो तो कैसा हो। आपके पास ना तो शरीर है ना इंद्रियां हैं, इसके लिए देखने को कुछ नहीं है, सुनने को कुछ नहीं है, छूने को कुछ नहीं है, महसूस करने को कुछ नहीं है, स्वाद पाने को कुछ नहीं है, किसी भी चीज के लिए कुछ नहीं है। पूर्ण शून्यता। सोचिए ऐसा हो तो कैसा होगा। आंखें बंद रखिए, हम एक मेडिटेशन कर रहे हैं, डीप मेडिटेशन। आप अगर अभी अभी जुड़े हैं हमसे तो आंखें बंद कर लीजिए। हम डीप मेडिटेशन के काफी गहराई में आ चुके हैं, बने रहिए हमारे साथ। बाद में YouTube से पूरा वीडियो लेके शुरू से सुन लीजिएगा। फिलहाल आंखें बंद रखिए। सोचिए अंतरिक्ष के इस गहन गहरे नीरवता शून्यता में जहां कुछ नहीं हो रहा है, वहां आपके मन में बस एक इच्छा आती है अनायास ही कहीं से। तो वो इच्छा ये है कि आप अंधेरा देखना चाहते हैं, बहुत दूर। कितना दूर उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। कोई स्थान है जो पूरी तरीके से अंधकार में है, क्योंकि वहां से दूरों दूरों तक कोई तारे नहीं है, कुछ नहीं है। एक आलोक क्षेत्र है, वहां पहुंच चुके हैं। वहां बैठकर या वहां स्थापित होकर आपके मन में इच्छा होती है वापस याद करने को पृथ्वी में मनुष्य जीवन के बारे में। अभी पृथ्वी कहां है कौन जाने, फिर भी अगर नए सिरे से एक मानव शरीर का रचना करना होता तो उसका हृदय नया वाला, फर्स्ट टाइम बनने वाला जो परफेक्ट हृदय है वो कैसा होता। सोचिए आप शून्य से अपने हृदय का गठन, पुनर्गठन इस वक्त कर रहे हैं। परफेक्ट हार्ट, कोई फ्लॉ नहीं है, कुछ मिस्टेक नहीं है, परफेक्शन, क्योंकि और कुछ करने को नहीं है। तैयार कीजिए एक बायोलॉजिकल ह्यूमन हार्ट, अपनी कल्पना से जैसा हो सके वैसा, जैसा बन पड़े वैसा। सोचिए इस काम के लिए परमेश्वर, परमपिता जो सुप्रीम है, उनकी प्रेरणा आपके हृदय से निकल रही है और इस हार्ट को बना रही है। उनकी शक्ति से आप बना रहे हैं। ऐसे ही देखते देखते पता नहीं कब बन गया लिवर, कब बन गए दोनों किडनीज, स्प्लीन, कोलोन, लंग्स, इंटेस्टाइन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम,
नर्वस सिस्टम सब बन के तैयार हो चुका है, क्योंकि यहां तो समय का कोई हिसाब नहीं है। अनंत काल से आप बस यही कर रहे थे और आपने एक मानव शरीर बना के तैयार कर दिया है, और ये देखने में ठीक वैसा है जैसा आपका शरीर पृथ्वी में है, सोचिए। परंतु इसके अंदर जितने ऑर्गन्स हैं वो डिवाइन ऑर्डर से, डिवाइन इन्फ्लुएंस से, दिव्य प्रभाव से, दिव्य शक्ति से एकदम बायोलॉजिकली मेडिकली परफेक्टली फिट है। ये कुछ भी खामी नहीं है किसी भी प्रकार का, एज इफ ईश्वर के फैक्ट्री में बन के नया नया तैयार हुआ है ये शरीर। मन ही मन सोचिए, ये जो आपने शरीर का गठन किया है, जो आप ही का शरीर है, इसको पकड़ के आलिंगन करके इसके सहारे आप द्रुत वेग में पृथ्वी की ओर चल पड़ते हैं, और पता नहीं समय कब बीत जाता है, पृथ्वी नजर पे है, सामने ही है, सुंदर नीला बड़ा पृथ्वी, हमारा धरा भूमि, वहां पे आप लैंड करते हैं, ठीक वहां जहां आप इस वक्त बैठे हैं, और उस शरीर को आपके इस शरीर में जहां पे आप हैं दोनों का मर्जिंग हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, और उस शरीर के जो दिव्य गुण है आपके शरीर में इस वक्त यहीं पर ओवरराइट हो जाते हैं। यानी आपके शरीर के अंदर आपका ब्रेन इस वक्त सारे ऑर्गन्स को हील करके परफेक्ट डिवाइन ऑर्डर पे सबसे सुंदर सौम्य नेचुरल हेल्थी रिदमिक परफेक्ट हार्मोनियस कंडीशन में परिवर्तित कर देता है। सोचिए आपके शरीर का हीलिंग हो चुका है, सोचिए कितना अच्छा लग रहा है, सोचिए आज से आपका डाइजेशन कितना अच्छे क्वालिटी का होगा। आपके शरीर में जो बीमारियां पहले हुआ करती थी सब गायब हो गई हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास करेंगे तो आपका ब्रेन ये आपके लिए इसी वक्त कर देगा, विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे करेगा ये काम आपका ब्रेन। एक मेडिटेशन है। आपके शरीर में जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं सोचिए वो ठीक हो चुके हैं, विश्वास कर लीजिए, मान लीजिए, स्वीकार कीजिए, क्योंकि जैसे ही करेंगे आपका ब्रेन आपके शरीर में वही काम कर देगा इसी वक्त। सब कुछ आपके हाथ में है, बस चलिए अभी आंखें खोलेंगे, मैं एक से पांच गिनूंगा, पहले नीचे की तरफ देखेंगे फिर पलके उठा के सामने देखेंगे, एक दो नीचे की तरफ देखिए, तीन पलके उठाना शुरू कीजिए, चार पांच आंखें खोलिए, यस ये हुई ना बात। कैसा रहा मेडिटेशन? ऐसे ही होता है मेडिटेशन, हम गहराई में चले जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, परंतु असल में सारा काम हमारा ब्रेन करता है हमारे शरीर में। ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिंपल साइंस है। हम एक एक्सक्यूज दे रहे हैं, एम्प्टीनेस में जाकर अपने ब्रेन को नया आदेश दे रहे हैं, हमारा ब्रेन हमारे शरीर में ये काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही करके हम कई चीजें करते हैं। ऐसा कीजिए, कॉल कीजिए मेरे ऑफिस को 9836338102, सुबह 11 से शाम के 5 के अंदर कॉल कीजिएगा, सोमवार के अलावा किसी भी दिन। इसके अलावा आपको यह प्रोग्राम देखना है 24 आवर्स टीवी में, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, जहां पे मैं अवधूत दास, ग्रैंड मास्टर अवधूत दास, आता हूं रेगुलर बेसिस पे, कभी हिंदी कभी बंगाली कभी इंग्लिश में प्रोग्राम्स लेकर, जहां कुछ ना कुछ मैं सिखाता हूं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और इमीडिएटली बेनिफिट भी पा सकते हैं। परंतु डिटेल में सीखने के लिए मेरे साथ संपर्क कीजिए, आइए मेरे पास और मात्र 2 दिन का एक ट्रेनिंग है उसे अटेंड कर लीजिए, उसके बाद जीवन भर का हमारा एक संपर्क रहेगा और आप मेरे स्टूडेंट कम्युनिटी के एक अंश बन जाएंगे और सब मिलके हम अच्छी अच्छी चीजें करते रहेंगे। तब तक के लिए, जब तक आप अगली बार मुझे देखेंगे, नमस्कार।